मैंने एक उदाहरण आपके सामने इससे पहले रखा था. दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, सूरह नमल, सूरह नंबर 16 वर्स नंबर जो है 97 में कुरान कहता है और वही फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मुमिनुन, जो कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो और वह आस्थावान, तो फरमाया फला युहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो उसको हम एक दुनिया की बेहतरीन अच्छी ज़िंदगी देंगे. किसको? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर ईश्वर को खुश करेंगे, इबादत करेंगे, तो उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेंगी. और आगे फरमाया वला नज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिमा कानू यअमलून, और मृत्यु के बाद उनके लिए बहुत अच्छा अजर, बहुत पुण्य जो ईश्वर के पास रखा है. तो यहाँ भी देखिए, पुरुष और स्त्री को एक जैसा बताया. इसी तरह कुछ लोगों